वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टैक्टिक्स। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो ये स्मूथ इफेक्ट वाला वीडियो एडिटिंग है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप करने के लिए आपको एक थर्ड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है वी एन ऐप। वैसे नॉर्मली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी लेकिन इसका जो मोड वर्जन है ये आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से ही VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, इसका जो प्रो वर्जन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन करोगे इधर नीचे के साइड में आपको एक प्लस का आइकन शो कर रहा है, इस पर आपको टैप करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ये वाला। पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर नॉर्मल वीडियो है, अभी मैं इसके स्मोक वाला इफेक्ट है वो लगा के देखता हूँ आपको। जो लास्ट में आपको टाइटल वाटर मार्क है इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, इसके आपको टैप करना है, बस डिलीट कर देना है। तो जो स्मोक वाला वीडियो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है बहुत पहले से ही। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम से जा सकते हो। और वो स्मोक वाला वीडियो मैंने वहाँ पे छोड़ रखा है, तो पहले आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और फिर इसके ऊपर जो ये प्लस का आइकन शो कर रहा है लेयर में इसके आपको टैप करना है और वही स्मोक वाली जो वीडियो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर मेरा है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसको पहले आपको ऐसे नीचे से खींच के अपनी स्क्रीन के बराबर कर लेना है इसको। चलो मैं कर लेता हूँ, हाँ परफेक्ट। अभी क्या करना है, नीचे आपको ऐसे स्लाइड करना है, स्लाइड करते करते आप जाओगे तो आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है और इसको और फिर स्लाइड करना है तो स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, स्क्रीन टैप करना है और इसको क्लिक कर देना है। अभी मैं प्ले करके देखता हूँ इसकी, ये देखें कितनी ऑसम वीडियो लग रही है। ये तो एक साइड हो गया, अगर आप दोनों साइड ऐड करना चाहते हो तो फिर से आपको लेयर पर टैप करना है, वीडियोस पे आना है, वही स्मोक वाली जो वीडियो है फिर से आपको सेलेक्ट करनी है और इसको पहले आपको मिररिंग करना है। इसको मिरर है, मिरर पे टैप करते हैं और इसको खींच के पूरा अपनी स्क्रीन को बराबर कर देते हैं। और इसके बाद फिर चलते हैं ब्लेंडिंग पे, ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन का ऑप्शन जो है उसको टैप करना है, सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से ओके कर देना है। अभी मैं प्ले कर दूँ, अभी इसको और नीचे से खींचना है। ये ध्यान रहे आपका जो स्क्रीन है ये पूरा अच्छे से देख रहा है, ठीक है। फिर से प्ले करते हैं, ये देखिए दोनों तरफ से इसका जो स्मोक इफेक्ट है वो लग चुका है। और हाँ, और यदि आप इसका कलर, स्मोक का जो कलर है वो दोनों सेम है, यदि आप चेंज करना चाहते हो तो कुछ मैं राइट वाला चेंज करना चाहता हूँ तो पहले ऊपर वाला जो लेयर है इस पर हमको टैप करना है और नीचे साइड में आपको इधर लेफ्ट साइड में फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर पर टैप करना है, एडजस्ट पर जाना है, एडजस्ट पे इधर नीचे स्क्रॉल स्लाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन व्यू, व्यू पे आने के बाद ऐसे नीचे आपको घुमाना है, आप ऐसे घुमाते जाओ नीचे आपको कलर ऑटोमेटिक चेंज होता है वो दिखेगा ऊपर, सपोज कि यहाँ पे चलो मैं ग्रीन ही रख लेता हूँ। और यहाँ से आपको अप्लाई टू ऑल पे चेक कर देना है। अभी मैं प्ले करता हूँ वीडियो, कितनी ऑसम लग रही वीडियो, ये हमारा बन के तैयार है। और यदि आपको लेफ्ट वाला जो स्मोक है, रेड या पिंक कह सकते हो, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो फिर से आपको लेयर पे टैप करना है, फिल्टर में जाना है, एडजस्ट में जाना है और जो इसका ह्यू है, चलते हैं ह्यू की तरफ, ऐसे इसको हाँ यहाँ पर है और नीचे से आपको ऐसे घुमाना है, कलर चेंज हो रहा है इसका, आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर रख सकते हो। मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ नीचे से। अभी प्ले करके देख लेते हैं एक बार फिर से, ये हमारी वीडियो एकदम बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच।